मैं ये बात देश को साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे, हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा, मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा, दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी, उनकी सरकार कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास दो घर है, यहां गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है तो एक्सरे करेंगे कि भाई दो घर है, एक वापस दो सरकार को दे दो, बताइए आपको मंजूर है क्या, ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगल सूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ, बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इस देश की में जब संविधान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था, ताकि हमारे एससी एसटी ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते, मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। और ये संयोग नहीं था और ये अकेला बयान नहीं था, कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने चार बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की, एससी एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब
संविधान की मूल भावना के खिलाफ था, लेकिन कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब आम्बेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने, जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो एससी एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया, और जिनका हक था उनका हित सुरक्षित रखा। तो कांग्रेस पूरे देश में आग बबूला हो गई, ये मोदी समझता क्या है? अरे मोदी संविधान को समझता है, मोदी संविधान को समर्पित है, मोदी बाबा साहब आम्बेडकर की पूजा करने वाला व्यक्ति है। साथियों, सच्चाई ये है कि कांग्रेस और इंडी अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडी अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। कांग्रेसी जहां भी आए, आपको मोहल्ले में आ जाए, आपके घर में मिलने आ जाए, जरा खड़े रख करके पूछो, कर्नाटका आंध्र जैसे राज्यों में इन्होंने आरक्षण को मजहब के आधार पर बांटने का खेल क्यों शुरू किया था? साथियों, कांग्रेस की इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है, दलितों पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा, ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। 2020 में आरक्षण की संवैधानिक समय सीमा खत्म हो रही थी और उस समय आपने मोदी को सेवा के लिए बिठाया हुआ था। ये मोदी है जिसने दलितों आदिवासियों का आरक्षण और 10 साल के लिए बढ़ा दिया था।